कि बिहार में कोई सरकार है ही नहीं, ये समस्या ग्रस्त है बिहार, कोई सरकार नहीं है। यहाँ करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च हुआ, वहाँ सारा चीज ध्वस्त हो रहा है। एक तो निष्क्रियता, दूसरे काम करने का नाटक, और जो काम हो रहा है उसमें कोई अस्थायित्व तो नहीं। मुद्दा एक ही है कि बिहार में कोई सरकार है ही नहीं, ये समस्या ग्रस्त है बिहार, कोई सरकार नहीं है। और जब सरकार नहीं है और जनता से कोई इसका सरोकार नहीं है, अब तो उस विशेष मुद्दे पर हम लोग बात करें, जनता की कैसे रक्षा हो, जनता अनाथ अपने को महसूस न करें। नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता और सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सदन में अपनी जिम्मेवारियों के अनुरूप जनता के साथ खड़ी है, उसके हर कष्ट में, चाहे वो कष्ट आने की संभावना या कष्ट में जहाँ जनता पड़ी हुई हो। हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा किए कि कहीं से लोगों को महसूस नहीं होने देना चाहिए कि गांव के गरीब, कमजोर, किसान, अनाथ, अल्पसंख्यक, दलित अपने को अनाथ महसूस करें। राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए अपनी पूरी सक्रियता को कैसे बढ़ाए, यद्यपि कोरोना काल के चलते कई समस्या आई, सक्रियताएं हम लोग की घटी, आम जन से हम सरोकार बना करके जो भी हमारा माध्यम है, आप हों या आप जैसे और सोशल मीडिया के लोगों, हम लोग ने रखा, लेकिन जनता बहुत तकलीफ में है, कल्पना से अधिक। इसलिए कैसे उन्हें राहत दिया जा सके, कोरोना अभी बीता नहीं, बाढ़ आ गई, कटाव होने लगा, जिस बाढ़ और कटाव का कैलेंडर बना करके मई के पहले 15 सालों तक हम लोगों ने काम किया, अभी ये काम जून बीतने जा रहा है, नदी के भीतर जहाँ पर 5 फीट 6 फीट पानी है, सीधे सारा गांव का गांव कट रहा है, खेत हमारे कट रहे हैं, यहाँ करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च हुआ, वहाँ सारा चीज़ ध्वस्त हो रहा है। एक तो निष्क्रियता, दूसरे काम करने का नाटक, और जो काम हो रहा है उसमें कोई अस्थायित्व तो नहीं। इसे जनता जिस ढंग से आज करा रही है, राष्ट्रीय जनता दल कैसे अपनी भूमिका का निर्वाह करे, नेता प्रतिपक्ष ने इसी पर विस्तार से बात की। प्रवक्ताओं को कुछ टिप्स दिया गया कि हम अपनी बातों को कैसे रखें? देखिए, प्रवक्ता क्या है, पहले जैसे आप जनता के प्रवक्ता हैं, जनता को भरोसा देने के लिए आवाज़ जानी चाहिए। हर आदमी इस बात को कर नहीं सकता, आज भी मैं भी नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों की कृपा है कि नहीं, हमको भी इसमें आपने शामिल कर लिया। प्रवक्ता का काम है कुछ भरोसे को कायम करने के लिए, मर्यादित शब्दों में, जदयू की तरह लोगों के गंदे शब्दों का बिना प्रयोग किए, जिस तरह वो गाली गलौज करते हैं उस तरह से कभी भी मर्यादा का उल्लंघन राजद न करे, लेकिन जनता से संवाद बना रहे हमारा, ये हमारे प्रवक्ताओं को निर्देश दिया गया है।